नमस्कार, एमकर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बस स्टैंड पर यात्रियों को पानी एवं बिस्किट वितरित किए, साथ ही यात्रियों की परेशानियों को भी जाना। वहीं उन्होंने उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को मौके पर जाकर वस्तु स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। मढ़हा महादेव स्थल पर पूजा करके लौट रहे यात्रियों की ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली में सवार एक बच्ची और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला हैदराबाद थाना क्षेत्र के गांव खोखाई का है, जहां नहर के पास अनियंत्रित हो जाने से पलट गई, जिसमें सवार एक बच्ची व महिला की मौत हो गई, जबकि अन्य 28 लोग घायल हैं, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र गोला में भर्ती कराया गया। सड़क के किनारे पलट गई है। मैं मौके का विजिट मैंने किया है। वहाँ पे एक तरफ से बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी लेफ्ट साइड पे थी, राइट साइड से ये लोग क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस करने में बिल्कुल वो जो रोड है वो संकरी सिंगल रोड है और उसके नीचे काफ़ी गड्ढा है, तो उसमें वो ट्रैक्टर पलट गई है। उसमें दो लोगों की अभी तक मृत्यु तस्दीक हुई है, कुछ लोग घायल हैं। सभी लोगों को तत्काल उसी वक्त पुलिस ने अपनी गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से सभी को भिजवाया था। उसमें त्वरित कार्रवाई से बहुत लोगों की जान बच पाई है। अभी दो लोग की मृत्यु की पुष्टि हुई है। ताज नगरी आगरा में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं देर रात सैया थाने क्षेत्र के गांव मुखरई में पूर्व प्रधान के यहां अज्ञात चोरों ने सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने राइफल, 30 कारतूस, 20 तोला सोना, 5 लाख से अधिक नकदी लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड और सैया पुलिस छानबीन में जुट गई है। मेरी साजुमा उपाध्याय नर्सिंग होम में भर्ती है 4 दिन से, और मेरे पथरी का दर्द हो रहा है। तो मैं भी डॉक्टर नितिन यादव के यहाँ इलाज चल रहा है मेरा, तो कल रात को मैं 9 बजे आया। ठीक है, आके मुझे नींद नहीं आ रही करीब 20 दिन से, तो मेरा इलाज चल रहा है नींद का भी, यूसी करण जी का। तो नींद नहीं आ रही और पता नहीं कल मुझे कैसे नींद आ गई। रात को आँख खुली है मेरी और भैया ने आवाज़ दी, वो छत पर से कि देख तेरे घर का ताला टूट गया। वो सब भैया आए हैं, तब देखा सब अलमारी तोड़ ताड़ के सब निकाल ले गए, राइफल ले गए, 30 कारतूस थे वो ले गए, 3 लाख रुपए कमेटी के जमा थे, वो 3 लाख रुपए मेरे पास रखे थे करीब 4 महीने के, मुझे देने थे कल 6 तारीख को, वो पैसे ले गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोटक महिंद्रा बैंक के सहायक प्रबंधक की शिकायत पर 38 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। वहीं इन आरोपियों ने बैंक से लोन लेकर वाहन खरीदे, लेकिन उनकी किश्त समय पर जमा नहीं की, बाद में वाहन को भी गायब कर दिया। कोर्ट के आदेश पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें लगभग करोड़ों रुपये हड़पने की बात कही जा रही है। आगरा के पर्यटन स्थलों पर लपकों का आतंक बना हुआ है, जिससे पर्यटकों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पुलिस ने पर्यटकों को लपकों यानी अवैध गाइड और अवैध वेंडर्स से बचाने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की है। पर्यटन पुलिस लगातार पर्यटक स्थलों के बाहर माइक पर अनाउंस कर रही है कि पर्यटक किसी बाहरी व्यक्ति से लेन देन ना करें, और उन्हें अगर कोई परेशान करता है तो वह सीधे पुलिस को इस बात की सूचना दें। अच्छी पहल है यहाँ पे, जो पहली बार देखने को मिल रही है, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो यहाँ की पर्यटन पुलिस है अनाउंसमेंट कर रही है कि कैसे टिकट ली जाएगी, ऑनलाइन बुकिंग है और बच्चों के बारे में बता रहे हैं, पानी की सुविधा है और भी कई चीज़ें हैं। ये प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर बंदे को, कोई भी यात्री बाहर से आता है उनको पता लग जाता है कि हाँ भी कहाँ से टिकट मिलेगी, कहाँ पे जाना है, ताजमहल कहाँ पे है, पानी की सुविधा कहाँ पे है, हर चीज़ के बारे में पहले पता लग जाएगा तो परेशानी कम होगी पब्लिक को। झांसी के मऊरानीपुर में पति की हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी को धारदार हथियार से लहूलुहान कर दिया। वहीं महिला ने खुद की व अपने बच्चों की जान बचाने घर से बाहर चीखती चिल्लाती हुई निकली, जिसे देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं लोगों की भीड़ देख पति मौके से फरार हो गया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति नशे की हालत में मारपीट करता है। मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचवाया। वहीं कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शादी को कैसा लोग है? शादी को मैं छोटे में शादी हुई, 15 साल में शादी हुई,
हाँ कौन जगह रहती हाँ तो कीने मारो जो प्राण कलियर के शिवदासपुर गांव में नशा मुक्त अभियान के तहत संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में युवक मंगल दल व थाना अध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने की, इसमें सभी क्षेत्रवासी और जनप्रतिनिधि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थाना अध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने आम जनों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा मानव जीवन के लिए खतरनाक है, इसके सेवन से बचना चाहिए। मेन उद्देश्य हमारा यही था कि नई जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसको लेकर के, नशे को लेकर के, क्योंकि जो पी तो रही, जो नए नए बच्चे हैं वे भी इसकी आदत डल रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर नशा करता है तो तुरंत आप सूचना पुलिस चौकी को दे, जिससे उस पर अंकुश लग सके और अपना परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, अन्यथा आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। यहाँ यो मैन थे आज मेहमानों का, जिनके पोते खेल रहे मैं भी जुआ खेल लो, जो कल पैदा हो जाते मैं भी आज जुआ खेल लो, और गरीब गरीब में यहाँ दो रुपये कर यहाँ 24 घंटे जेबों में भांगे रहो फिर देखो जी, वो काम बिल्कुल होना ना चाहिए, जो भी पीने वाला हो या बेचने वाला हो, दो रुपया आया हो या भांग पे आया हो, मैं सब कार्रवाई कर दिया जाए। इस कार्यक्रम का जो आयोजन आज से किया गया है, ये कार्यक्रम हमारा जो है ग्राम नशा मुक्ति अभियान है और ये आज प्रारंभ हुआ है, और ये इस पे खाली कार्यक्रम करना हमारा उद्देश्य नहीं है, अब गांव से हमको नशे को मुक्त कराना ही है। ये एक अभियान हमने चालू किया है, इसको और अब चालू रखेंगे। जहां एक और कुरियर कंपनी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ रुड़की में एक कुरियर कंपनी अपने ग्राहक को परेशान कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार एक नामी कुरियर कंपनी का ब्रांच ऑफिस रुड़की में है, जहां आए दिन ग्राहकों के साथ बदसलूकी की जाती है। वहीं ताज़ा मामला रामनगर स्थित कुरियर कंपनी का है, जहाँ रुड़की निवासी मोमिन अब्बासी का आरोप है कि उनका कुरियर पिछले 3 दिनों से आया है, लेकिन उन्हें ब्रांच से नहीं दिया जा रहा, रोज नए बहाने बनाकर उन्हें परेशान किया जाता है। मैं यहाँ पे जितनी मरतबा मेरा कोरियर आते हैं यहाँ पे, ये हर मरतबा ये लोग बोल देते हैं कि तुम्हारे यहाँ की सर्विस नहीं है। मैं इनको बोलता हूँ जहाँ तक कि हमारी सर्विस है, आप मुझे कॉल करिए, मैं कॉल करके वहाँ पे आ जाऊँगा। ये लोग बोलते हैं कि सलेमपुर तक की आपकी सर्विस है। कई मरतबा ऐसा हुआ है इन्होंने मुझे तब भी टंगा के रखा फ़ोन करके, कभी रामनगर बुला लेते हैं, कभी सलेमपुर बुला लेते, कुल मिला के कई मरतबा चक्कर कटवाने के बाद में ये मुझे मेरा कुरियर देते हैं। आज सुबह के टाइम मेरा कोई कुरियर आया हुआ था, मैं इनके पास आया तो ये लोग कहने लगे कि भाई तुम्हारे यहाँ की सर्विस नहीं है। मैंने कहा भाई जब तुम्हारे यहाँ की सर्विस नहीं तो आप हमारे यहाँ कुरियर ना मंगाया करो। ये लोग कहने लगे कि आप कोटक बैंक को कहिए कि हमारे यहाँ पर कोई भी कुरियर ना भेजें। तमी जी दो लोगों ने किए मेरे साथ में, एक का नाम दुष्यंत है, बिलू डार्ट में ही काम करते हैं, और एक का नाम है अमित। इन्हें हद से ज़्यादा बदतमीजी की है। मैनेजर साहब का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैनेजर साहब आए नहीं यहाँ पे। खबर जनपद उद्धम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां बाघ का मूवमेंट लगातार जारी है। वन विभाग द्वारा लगातार गश्त दी जा रही है, लेकिन बाघ वन विभाग हत्ते नहीं चढ़ा है। बता दें कि बाढ़ ने 13 मई और 25 मई को 2 ग्रामीणों को अपना निवाला बनाया था, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। वही ग्रामीणों का घर से निकलना व काम करना दूभर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ अभी भी क्षेत्र में ही बना हुआ है, आए दिन देखने को मिल रहा है कि कभी भी बड़ी दुर्घटना कर सकता है। ग्रामीणों ने बाघ को पकड़कर अन्यत्र छोड़ने की गुहार लगाई है। उत्तराखंड के नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर में 139वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। स्थापना दिवस में रामायण कुल पूजा, कन्या पूजन और हवन का आयोजन किया जाएगा। नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर विश्व विख्यात है, वहीं इसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। कोविड काल के 2 वर्षों के बाद इस वर्ष 8 और 9 जून को मनाया जाएगा। माता की अच्छी अनुकंपा से इस बार कोविड-19 के जाने के बाद में हर्षोल्लास के साथ में हमारा 139वां जो स्थापना दिवस है माँ नैना देवी का, वो यहाँ पर मनाया जाएगा और बड़े भव्य रूप से मनाया जा रहा है, क्योंकि 2 वर्ष से कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ मंदिर में जिसमें लोग आए दर्शन करें, माता का वार्षिकोत्सव मना पाए। तो इस बार एक ऐसा भव्य रूप दिया गया है, क्योंकि 8 तारीख को हमारा सबसे पहले प्रातःकाल में पूजन होने के बाद रामायण प्रारंभ होगा,
और वो रामायण 9 तारीख तक चलेगी। 9 तारीख को स्थापना दिवस होगा। प्रातः काल में जिनके द्वारा यह मंदिर बनाया गया है उनके परिवार वाले यहाँ आकर के पहले कुल पूजा करेंगे और उनके पूजा होने के बाद में तब जाकर के फिर रामायण के पाठ का पारायण होगा, कुमारी पूजन होगा, हवन होगा और उसके बाद विशाल भंडारे के बाहर व्यवस्था है। तो चांद पार्क में बाहर जो भंडारा है वो भंडारा चलेगा जब 1 बजे से लगभग उसका समय रखा हुआ है और जब तक चल जाएगा तब तक वो व्यवस्था चलेगी वैसी। केंद्र सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर सेवा सुशासन व गरीब कल्याण कार्यक्रम का कई जगहों पर आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से सांसद अजय टमटा ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सांसद अजय टमटा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में गरीबों व वंचितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ चलाईं। गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वंचित समाज की योजनाएं हैं, हर घर को शौचालय देने से लेकर घर देने से लेकर पानी बिजली देने से लेकर के घर के गैस के कनेक्शन देने से लेकर के सारे कनेक्ट काम इस देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 70 साल की आज़ादी के बाद 100% करने का काम किया है। और साथ ही देश के अंदर जो NH की रोडें हैं या ऑल वेदर रोड है या भारतमाला के काम हैं, ऐसे सभी कामों से देश की गति को तेज करने का काम है। वहीं दुनिया में भारत के सम्मान को गौरव को बढ़ाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 वर्ष के कारण ही दोबारा से चुनाव 2019 में परिणाम जनता ने दिए। जब बेनिफिशियरी को फायदा हुआ, जनता के लोगों को लाभ हुआ, उसका लाभ दे करके उन्होंने काम किया और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती थी। ये रिपीट होने के पीछे भी वही कारण है कि जनता ने सरकार के कामों पर मोहर लगाई है। उत्तराखंड खाद्य विभाग जल्द ही नई योजना शुरू करने जा रहा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जिस प्रकार आम व्यक्ति ATM मशीन से पैसे निकालते हैं, ठीक उसी तरह उत्तराखंड में आम जनता ATM मशीन से अनाज भी ले सकती है। बता दें कि विश्व खाद्य योजना के तहत राज्य में फूड ग्रेन ATM शुरू होने जा रहा है। वर्तमान में फूड ग्रेन ATM की योजना सिर्फ उड़ीसा और हरियाणा राज्य में चल रही है, लेकिन अब उत्तराखंड देश का ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। लालकुआं तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन में अधिकांश विभागों के अधिकारी नदारद दिखे। इस दौरान केवल 5 विभाग के अधिकारी ही तहसील दिवस पर मौजूद रहे। तहसील दिवस में समस्याओं को लेकर पहुंचे दर्जनों फरियादी संबंधित विभागों के अधिकारियों के ना पहुंचने से बैरन लौट गए। वहीं नदारद अधिकारियों के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब वह स्वयं तहसील दिवस में मौजूद हैं, ऐसे में तमाम विभागों का बार बार तहसील दिवस में शामिल ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। वह इस बात संबंध में DM से बातचीत कर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अधिकांश विभागों के हैं, कुछ विभाग के नहीं आए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, उस दिन क्या हुआ था कि लंबे समय बाद तहसील दिवस हुआ था और लोगों को जानकारी नहीं थी, तो पब्लिक को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अधिकारियों को रहना चाहिए था उस दिन में। तो उस दिन तो लोग ही नहीं थे, तो इसलिए उसमें कोई नहीं, लेकिन आज जो लोग नहीं आए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये पहले से ही इसका प्रचार है कि मंगलवार के दिन, प्रथम मंगलवार को तहसील दिवस होना है, तो मगर फिर भी कहीं पर और अगर इसकी आवश्यकता पड़ी तो आगे हम लोग और प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तराखंड वैसे तो पर्यटक के हिसाब से गर्मियों में घूमने के लिए ठंड इलाका माना जाता था, लेकिन आज हालत बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ पेड़ों के कटने से मौसम पर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। यहाँ का तापमान हमेशा समांतर रहता था, लेकिन आज तापमान दिन के समय भी 41 डिग्री तक पहुँच रहा है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून के जो नॉर्मल वातावरण है उसके लिहाज से तो ये अनयूजुअल है, लेकिन हमारे वहाँ जो आप कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम बीमारियाँ होती हैं हीट वेव की वजह से, वो केसेस हमारे वहाँ हीट स्ट्रोक के, लू लगने के, ऐसे कोई एडमिशन हमारे हॉस्पिटल में नहीं आए हैं, ना ही मेरे ख्याल से इतनी टेम्परेचर इस हद तक है कि इसको हम गर्मी की वजह से कहें। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, जो अभ्यस्त हैं, वो थोड़े बेहतर मौसम की उम्मीद करते हैं इस मौसम में, तो इसलिए थोड़ा सा उनको अलग सा लग रहा है।
कलजी खाल ब्लॉक के प्रसिद्ध मुंडेश्वर खैरालिंग मेले में पौड़ी विधायक पहुंचे। मेले में पहुंचे विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि उन्हें यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं। उन्होंने सड़क और पानी की समस्या को भी दूर करने की बात कही। देखिए, पिछले दो साल कोरोना के कारण खैरालिंग का जो कौथिक है, दो दिवसीय कौथिक जो होता है वो हो नहीं पाया, लेकिन 2022 में बड़े भव्य रूप से ये मेला मनाया जा रहा है। और इस मेले में पहले दिन ध्वजा चढ़ती है, जो कि भगवान खैरालिंग महादेव और माँ कालिंका के मंदिर में चढ़ती है। उसमें भी भक्तों ने पूरे सहयोग के साथ, हर्षोल्लास के साथ वो ध्वजा चढ़ाई। और दूसरे दिन महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, इसके साथ स्थानीय लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ यहाँ पर की जा रही है, ताकि इस मेले को भव्य बनाया जाए। और इस मेले की आस्था पूरे विश्व भर में प्रख्यात है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मेले में देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। जो मेला है क्षेत्रीय समिति द्वारा आयोजित किया गया है, और ये हर वर्ष होता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से दो साल से नहीं हुआ, और आज ये जो है 2 साल के बाद यहाँ पर मेला हो रहा है। और बहुत भीड़ है इसमें, इस मेले में बहुत भीड़ है, क्योंकि इस समय जो है बाहर से लोग, सब लोग बाहर गांव में आ रखे हैं बाहर से, उसकी वजह से जो है यहाँ पर भीड़ बहुत अच्छी दिखने को मिल रही है। बीजेपी कार्य समिति का आज दूसरा दिन है। कार्य समिति में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश प्रभारी व विधायक और सांसद मौजूद रहे। आज कार्य समिति में राजनीतिक और धन्यवाद प्रस्ताव को भी लाया जाएगा। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। वहीं बीजेपी ने अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का संकल्प रखा है। 2 दिवसीय कार्य समिति रही है और आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में सभी मंत्रीगण भी आमंत्रित है और संगठन के सभी पदाधिकारी आज आमंत्रित हैं, और साथ साथ में पूर्व मुख्यमंत्री और सभी सांसद भी आज आमंत्रित हैं। निश्चित रूप से कार्य समिति में सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उस पर धन्यवाद भी और उस पर आभार भी जो है, वो दोनों चीज़ें कार्य समिति के प्रस्ताव में जो है आज सब लोग अपना समर्थन देंगे। इसके साथ धन्यवाद करने का प्रस्ताव है, और उसके बाद चंपावत में जो प्रचंड जीत हमको मिली है उसके लिए चंपावत की जनता का धन्यवाद करना है। फिर 2024 का चुनाव है, उसकी पूरी बैठक है, उसके क्या यहाँ से कार्य होने हैं, क्या कैसे बूथों पे काम होगा, उसके लिए यहाँ पर मुझे ज़रूर समीक्षा होगी। और माननीय मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं, माननीय मोदी जी की सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर रहेगा। यही सारे काम हैं। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो चंपावत के अंदर हमारी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, न भूतों न भविष्यति, उसके पीछे अगर कोई कारण है तो हमारा संगठन है, मजबूत संगठन है। जब कार में कि 17 दिन में चुनाव में था, सरकार हमारे संगठन के बड़े बड़े कार्यकर्ता भी जो जिम्मेदारी थी, चाहे विधायक थे चाहे मंत्री थे, जिसको जिस मंडल में लगाया गया, जिस बूथ में लगाया, वहाँ तक हमने काम किया, और उसका परिणाम हुआ कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारी हुई है। और अब आगामी 2024 को फोकस करके सारे कार्यक्रम वहाँ पर हो रहे हैं, और जो मार्गदर्शन यहाँ पर नेतृत्व का मिलेगा उस मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे 2024 में, फिर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज कार्य समिति के इस दूसरे दिन में 4 सत्रों में हमारी कार्य समिति संपन्न होगी। उद्घाटन सत्र होगा, समापन सत्र होगा, बीच में एक राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, और उसके बाद मोदी सरकार के जो पखवाड़े में हम लोग आज 8 साल की उपलब्धि है उसके संबंध में 1 सत्र होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो हमारा होगा वो 4 सत्रों में होगा, तो उसकी सारी रूपरेखा तैयार हो गई है। ऋषिकेश के रायवाला स्थित देसी शराब दुकान को अन्य जगह शिफ्ट करने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि यदि शराब की दुकान को शिफ्ट किया जाएगा तो वह इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने उपजिलाधिकारी व आबकारी अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रधान अनिल कुमार ने कहा कि जिस जगह शराब की दुकान को शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ स्कूल के बच्चे व महिलाओं आना जाना होता है, ऐसे में शराब की दुकान को यहां खोले जाना उचित नहीं होगा। थोड़ी देर पहले पता चला है कि ठेका आ रहा दारू का, देसी शराब का, जो कि वार्ड नंबर 13 पहली तरफ है, अब नेशनल हाईवे आ रहा है इधर, तो यहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने विरोध किया, प्रधान जी ऐसी बम बुलाया, तो मैंने इसकी जानकारी मैं ली वहाँ से, आपका जो अधिकारी है उनसे पूछा मैंने कि मैडम ऐसा है, उन्होंने बोला मेरी जानकारी को ऐसा कुछ नहीं है। देखिए
यदि यहाँ पे ठेका जबरन खोला जाता है तो इसका पहले भी विरोध किया गया है और आगे भी इसका विरोध किया जाएगा। सारी मातृशक्ति यहाँ एकत्रित इसीलिए हुई है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अंडरपास है उसके लिए बहुत प्रयास किया, इसी तरह जो है मेरी मातृशक्ति, मेरे यहाँ की जनता, पैदिक नगर थर्ड की जनता एकत्रित हुई है और अंडरपास के लिए बहुत प्रयास किए। बाड़ाहाटा क्षेत्र के आराध्य कंडार देवता की पैदल यात्रा निकाली गई। पैदल यात्रा में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। यात्रा मल्ला गांव, सुक्की गांव से होते हुए बुधवार को बौरव घाटी पहुंचेगी। खास बात यह है कि ये यात्रा 12 साल बाद गंगोत्री धाम लिए निकाली गई है। यात्रा में गंगा दशहरा पर विशेष पूजा अर्चना के साथ ही कंडार देवता का जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा। आज कंडार महाराज जो है अपने बाड़ाट क्षेत्र को लेकर जो है बाड़ाट क्षेत्र में संग्राली, पाटा, बग्याल गांव, खान, लक्षेश्वर, गंगोरी, ज्ञानसू, बशुंगा और बाड़ाट जो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है मेन बाजार, वहां तक की पूरी जनता जो है कंडार देवता के भक्त हैं और मानते हैं कंडार देवता को। और वैसे भी कंडार देवता जो है बाड़ा क्षेत्र का अधिपति है और कंडार महाराज जो हैं कहीं भी जाना हो, किसी के घर में पूजा हेतु जाना हो या वास्तु हेतु जाना हो या कुछ भी मांगलिक कार्यक्रम में अगर कंडार देवता जाते हैं तो जो हैं पैदल जाते हैं। तो वैसे ही वही हमारे पूर्वजों से ये चली आ रही है, रीति रिवाज चला आ रहा है कि हमारे जो इष्ट कंडार हैं वो जो हैं पैदल पग यात्रा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।